नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको केदारनाथ टेम्पल के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जो आपको कभी नहीं पता होंगी। केदारनाथ विश्व प्रसिद्ध 3 स्थलों में से एक है। इस जगह की खोज पांडवों ने की थी। दरअसल वे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ को ढूंढते हुए केदारनाथ पहुंचे थे। दूसरा, पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने भाइयों से लड़ाई की थी। इस पाप के बोझ से मुक्त होने के लिए पांडव शिवजी से मिलने काशी पहुंचे थे, मगर शिवजी उनसे अप्रसन्न थे, इसलिए वहां से वे कैलाश चले गए थे। भोलेनाथ का पीछा करते हुए पांडव कैलाश भी पहुंचे गए थे। तीसरा, बाद में शिवजी ने अपना रूप बदलकर पांडवों को चकमा देने की कोशिश की। आखिर में भोलेनाथ उन्हें केदार की चट्टानों पर मिले। चौथा, भोलेनाथ ने पांडवों को वहां बैल के रूप में दर्शन दिए थे। इसके बाद वहां भू शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। तब से लेकर अब तक उसी शिवलिंग की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर महज एक नहीं बल्कि 5 अलग-अलग मंदिरों का समूह है। इन सभी में शिवजी के विभिन्न अंग गिरे थे, इसलिए इसे पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था। बताया जाता है कि इसे पांडवों ने बनाया था। बाद में गुरु आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया था। यह मंदिर 6 फीट के एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर 5 पांडवों के साथ द्रौपदी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस मंदिर का निर्माण कत्यरी शैली में किया गया है। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करना अधूरा माना जाता है। इससे तीर्थ यात्रा और दर्शन का कोई फल नहीं मिलता। मंदिर में शिव की आराधना शैव समुदाय के पुजारी करते हैं। मंदिर के पुजारी भगवान की 5 मुख वाली प्रतिमा की पूजा करते हैं। यह पूजा सुबह 7 बजे शुरू होती है और 8:30 बजे तक चलती है। दोस्तों, ये थी 10 जानकारी जो आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में नहीं पता होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।